मणिपुर के सिंगन घाट इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां आतंकियों ने सेना की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें 46 असम राइफल के कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 4 जवान शहीद हो गए। हमले में कर्नल की पत्नी नाबालिग बेटे की भी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना चराचंदपुर जिले के सिंगन घाट के सहकेन गाँव में शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे हुई। इस हमले के पीछे मणिपुर के चरमपंथी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का हाथ माना जा रहा है। सहकेन जिला मुख्यालय चराचंदपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर बेहियांग क्षेत्र में एक सीमावर्ती गांव है। सेना ने आतंकियों पर कार्यवाही के लिए यहां ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जिस समय असम राइफल यूनिट के कमांडिंग अफसर के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया, तब काफिले में त्वरित प्रतिक्रिया टीम के सदस्य और अफसर के परिवार वाले शामिल थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पुष्टि की है कि घात लगाकर किए गए हमले में कमांडेंट और जवानों के शहीद होने समेत उनके परिवार के लोगों की भी इसमें मौत हो गई।